एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारे पास ओप्पो का लेटेस्ट बजट फोन जो कि है ओप्पो A15। ओप्पो का हमेशा ही फोकस रहता है बढ़िया डिजाइन पर और बढ़िया बिल्ड क्वालिटी पर। साथ ही ये लोग AI कैमरा भी बहुत बढ़िया रखते हैं। तो देखते हैं क्या है इस फोन में इंटरेस्टिंग फीचर्स और करते हैं A15 को अनफोल्ड। पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट्स में लिखकर हमें अपना फीडबैक दीजिए और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फोन जो है वो मेड इन इंडिया है। ये चीज फोन की बैक साइड पर क्लियरली लिखी हुई है, मेड इन इंडिया। तो चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं क्या मिलेगा इसमें हमें। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको मिलता है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, और साथ ही आपको मिलते हैं काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन। फिर मिलता है सिम इजेक्टर पिन। इसके नीचे आपको मिलेगा फोन। काफी लाइट वेट लग रहा है ये फोन। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं वीडियो में आगे जाकर, अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ। फोन के बाद आपको मिलेगा एक 10 वॉट का चार्जर और साथ में चार्जिंग के लिए माइक्रो USB केबल। इतना ही था इस बॉक्स में, आपको ईयरफोन्स नहीं दिए गए हैं। अभी के लिए सबको साइड में रखते हैं और चलिए देखते हैं अपने फोन को। चलिए अब फोन को ओपन करके देखते हैं कि कैसा है ये फोन। क्या बात है, लेट मी टेक आउट द स्टिकर एज वेल। वाओ, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही स्लीक है, आप खुद इसे देख सकते हैं। ओप्पो के फोन हमेशा ही डिजाइन वाइज यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं अपनी प्राइस रेंज में। कुछ दिन पहले हमने ओप्पो F17 का भी रिव्यू किया था, दोनों इंग्लिश और हिंदी में भी। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वो भी काफी डिफरेंट और यूनिक डिजाइन था। अगर हम डिजाइन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्लीक और स्मार्ट डिजाइन है। ओप्पो ने इसे 3D कर्व डिजाइन कहा है। जो बैक का मटेरियल है वो प्रीमियम प्लास्टिक है। इस पर फिंगरप्रिंट स्मजल्स बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप इसे बैक कवर के साथ ही यूज कीजिएगा। ओप्पो A15 जो है वो दो कलर वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। मेरे पास इस समय जो हाथ में है वो है मिस्ट्री ब्लू, और इसमें आपको एक और कलर मिलेगा जो कि है डायनामिक ब्लैक। अगर इसके बैक साइड की हम बात करें तो बैक में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। 2x2 का सिमेट्रिकल कैमरा सेटअप है जो देखने में काफी सुंदर दिखता है, और साथ ही कैमरा के आउटसाइड में आपको मेटालिक रिंग मिलेगा जो काफी प्रीमियम लुक दे रहा है इस कैमरा सेटअप को। और उसी के साथ आपको मिलेगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर और ओप्पो की ब्रांडिंग है नीचे की तरफ। अब अगर हम इसके साइड्स की बात करें तो लोअर साइड पे आपको यूजुअल सस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मिलेगा 3.5mm का ऑडियो जैक और माइक्रोफोन मिलेगा, साथ ही USB पोर्ट मिलेगा और स्पीकर ग्रिल मिलेगा। अगर साइड्स की बात करें तो आपको राइट साइड में मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन और उसके ऊपर मिलता है वॉल्यूम रॉकर। टॉप साइड में कुछ नहीं है, एंड लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो आपको सिम कार्ड ट्रे मिलती है। चलिए एक बारी चेक कर लेते हैं कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट इसमें मिलता है कि नहीं। यस, एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट इसमें आपको मिलता है, साथ ही आप दो नैनो सिम इसमें यूज कर सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो है 8mm। इसमें जो बैटरी दी गई है वो है 4230 mAh, तभी उसी बैटरी की वजह से ही इसकी स्लीकनेस मेंटेन कर पाई है कंपनी। और साथ ही इसका वेट है सिर्फ 175 ग्राम, तभी हाथ में होल्ड करने में बहुत ही लाइट वेट लगेगा आपको ये फोन। तो डिजाइन वाइज अगर बजट फोन्स की मैं बात करूं तो ये काफी अच्छा फोन है और स्पेसिफिकेशंस भी उस हिसाब से काफी बढ़िया है, तो आई विल गिव इट अ थम्स अप इन द डिजाइन। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.52 इंचेस का ह्यूज स्क्रीन, एच
HD+ रेजोल्यूशन और साथ ही IPS LCD पैनल। वेल, बजट फोन्स के हिसाब से ये काफी नॉर्मल और डिसेंट डिस्प्ले है, आई वुड से। LCD पैनल है तो इंडोर व्यूइंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, सनलाइट में इश्यू होता है LCD पैनल्स के साथ, पर इसमें आपको दिया गया है AI स्मार्ट ब्राइटनेस, जो आपके सराउंडिंग के ब्राइटनेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देगा। तो सनलाइट में भी आई थिंक आपको इस फोन को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको फ्रंट में मिलेगा वाटर ड्रॉप स्क्रीन जिसमें सेल्फी कैमरा फिट है। तो अगर बेजल्स की बात करें तो साइड और अपर बेजल्स बहुत ही थिन है और साथ ही चिन भी काफी एवरेज है, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहेगा इस फोन में। जैसा कि इसका स्क्रीन साइज भी 6.52 इंच का है, तो इसमें आपको वीडियोस देखने में और गेमिंग करने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कलर्स, क्योंकि ये HD+ स्क्रीन है और साथ ही LCD पैनल है तो डिसेंट है, तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज भी आई गिव इट अ थम्स अप। यहाँ अगर हम इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर। ये एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है, इसमें आप रेगुलर यूजेज जैसे 2-3 एप्लीकेशन यूज करना, साथ ही में ईमेल या मैसेजिंग करना, कुछ स्वाइप या ब्राउज करना, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गेमिंग के लिए आपको 2 वाईफाई के बैंड्स दिए गए हैं जो आप स्विच कर सकते हैं अपने गेमिंग के लिए। P35 में आपको हाइपर इंजन मिलता है जो कि हेल्प करता है गेम्स में, तो रेगुलर गेम्स जैसे सबवे सर्फर या कैंडी क्रश ये तो आप आराम से इसमें खेल सकते हैं। साथ ही हैवी गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी ये आप लो सेटिंग्स में आराम से इसमें खेल पाएंगे। ऑल्सो कनेक्टिविटी में आपको मिलता है वाईफाई और LTE, तो सीमलेस और फास्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है कलर OS 7.2 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पर। इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि डार्क मोड, स्मार्ट स्लाइड बार जो कि बहुत कंफर्टेबली हेल्प करता है स्क्रीनशॉट लेने में और फाइल्स को एक्सेस करने में, जिससे आप फोन का सिंगल हैंड ऑपरेशन कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी आपको मिलेंगे जो आप डेफिनेटली डिलीट कर लीजिए अगर आप यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपकी बैटरी और स्टोरेज दोनों ही सेव होती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ठीक है। अगर इस फोन की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 4230 mAh की बैटरी। जी हाँ, मैं जरूर कहूंगी कि ये इस सेगमेंट की बेस्ट बैटरी तो नहीं है, जैसे कि इसी सेगमेंट में आपको मिलते हैं Realme C12 या C15, उनमें आपको दी जाती है 6000 mAh की बैटरी। मैंने रिसेंटली Realme C12 और C15 का रिव्यू भी किया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है, आप जाकर उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो इस फोन की अगर बैटरी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर इसी वजह से इस फोन को लाइटवेट और स्लीक लुक मिल पाया है। साथ ही अगर Realme फोन्स की बात करें तो वो थोड़ा हेफ्टी होते हैं हाथ में होल्ड करने में। क्योंकि ये एक बजट फोन है तो इसके साथ आपको दिया गया है 10 वॉट का चार्जर। इस चार्जर से आपकी ये बैटरी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी कम्प्लीटली। साथ ही एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये आपको आराम से 1-1.5 दिन चलेगा अगर आप रेगुलर यूजेज है, मतलब कि आपका ज्यादातर यूज है कॉल्स, मैसेजिंग या व्हाट्सएप वगैरह। और अगर आप हैवी यूजर हैं, मतलब काफी वीडियोस देखते हैं या गेमिंग भी करते हैं, तो भी आपको ये फोन शाम तक चल जाएगा। शाम तक जाने के बाद ही आपको इस फोन को रिचार्ज करना पड़ सकता है। फोन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है बैक साइड पे और साथ ही फेस अनलॉक भी दिया गया है जो काफी क्विक है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफी सीमलेस काम करता है और हमें इसे यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ ही फेस अनलॉक को भी आप देख सकते हैं, काफी क्विक है ये। बाकी सभी रेगुलर कनेक्टिविटी फीचर्स हैं जैसे कि वाईफाई कॉलिंग, ड्यूअल 4G वोल्टेज, ब्लूटूथ 5.0, साथ ही FM रेडियो भी है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है तो आप आराम से अपने HD वीडियोस Netflix और प्राइम के इस पर देख सकते हैं। साथ ही गूगल कैमरा का भी इसमें सपोर्ट है। सार वैल्यू भी लिमिट में ही है। अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो आप ऑडियो क्वालिटी खुद ही इसमें सुन सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास आ चुका है एप्पल का लेटेस्ट आईफोन जो है iPhone 12 Pro।
कैमरा की। वेल, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर है और डेफिनेटली हम सभी के लिए फोन चूज करने में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ओप्पो के फोन के कैमरास की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग भी काफी बढ़िया रहती है, साथ ही सेम स्पेसिफिकेशंस में ओप्पो के कैमरास आपको बेटर रिजल्ट्स देते हैं अदर ब्रांड्स के मुकाबले। जैसा कि मैंने बताया, ओप्पो A15 कम्स विद अ ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसमें आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलता है। यूजुअली इस प्राइस रेंज में किसी भी फोन में आपको वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलेगा, तो ओप्पो में भी ये कैमरा नहीं अवेलेबल है। मैं ओप्पो A15 के कैमरा की कुछ पिक्स पोको C3 और रियलमी C12 से भी कंपेयर करूंगी ताकि आप खुद इनमें कंपैरिजन कर पाएंगे। मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा, AI ब्यूटिफिकेशन मोड ओप्पो का खुद का डेवलप किया हुआ है, तो ये हेल्प करता है सेल्फी को और इम्प्रूव करने में। ये आइडेंटिफाई कर सकता है आपका जेंडर, एज, रीजन, ताकि आपको परफेक्ट स्किन टोन और कॉम्प्लेक्शन मिले हर फेस के लिए। चलिए देखते हैं कुछ पिक्चर्स और वीडियोस फ्रॉम ओप्पो A15। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो है डिसेंट फोटोग्राफ लेता है, आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। जूम करने पर डिटेलिंग ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कलर्स बहुत अच्छे हैं, सैचुरेशन काफी कम है। टू एक्स शॉट में डिटेल लॉस्ट हुआ है, नॉइज और पिक्सिलेशन भी है। 5x शॉट में डिटेल काफी लॉस्ट है और पिक्सिलेशन भी बहुत ज्यादा है। रियर पोर्ट्रेट शॉट्स आर ओके, बैकग्राउंड ठीक ठाक ब्लर हुआ है। पोर्ट्रेट सेल्फी भी ठीक है, इसमें भी बैकग्राउंड ठीक ठाक ब्लर हो गया है। AI सेल्फी फोटोग्राफ्स भी अच्छे हैं। सेल्फी फोटोज आप ब्यूटी मोड ऑन और ऑफ करके भी ले सकते हैं। पोर्ट्रेट सेल्फी भी ठीक है, बैकग्राउंड ठीक ठाक ब्लर हो गया है। मैक्रो शॉट्स एवरेज है, कैमरे की सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग से थोड़ा और बेटर हो सकता था। क्लोजअप शॉट्स आर ओके, कलर्स थोड़े से सैचुरेटेड हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यू कैन एक्चुअल सी जब HDR मोड को ऑन या ऑफ करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आप देख पाएंगे फोटोग्राफ्स में। लो लाइट बैक कैमरा ठीक है, यू कैन सी दिस, डिटेलिंग ठीक ठाक है। ओवरऑल कैमरा इज गुड इन दिस प्राइस ब्रैकेट। फाइनल वर्डिक्ट पर, वेल, मैं कहूंगी कि इस प्राइस ब्रैकेट में इन स्पेसिफिकेशंस के साथ थोड़ा महंगा जरूर है, क्योंकि जो बाकी ब्रांड्स हैं वो यही स्पेसिफिकेशंस आपको 8-9 हज़ार में दे रहे हैं। बट साथ ही मैं कहूंगी इसका जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो आपको इस प्राइस ब्रैकेट पे बाकी ब्रांड्स में देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको मिला है P35 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा और साथ ही 4230mAh की बैटरी। तो अगर आपको एक गुड लुकिंग, डिफरेंट लुकिंग फोन चाहिए इन स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो मैं आपको ये फोन जरूर रेकमेंड करूंगी। और इसी के साथ ही हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल गैजेट्स अनफोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं कि नेक्स्ट फोन मैं आपके लिए कौन सा रिव्यू करूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।